हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस संचालक ने गुरुग्राम से लुधियाना पंजाब तक वसूला US तक का किराया। साइबर सिटी में आपदा को अवसर में बदलने का शर्मनाक मामला सामने आया है। संक्रमित मरीज को लुधियाना पंजाब तक पहुंचाने के 1,20,000 रुपये वसूल लिए गए। दिल्ली के एम्बुलेंस संचालक ने मरीज के परिजनों से वसूले 1,20,000 रुपये। कल सुबह गुरुग्राम में बेड न मिलने के चलते संक्रमित महिला को पंजाब के लुधियाना में करवाया गया था भर्ती। बता दें, गुरुजोत नाम के शख्स ने जिला प्रशासन द्वारा जारी तमाम हेल्पलाइन पर उठाए बड़े सवाल। घंटों लाइन के लगने के बाद नहीं मिला ऑक्सीजन सिलेंडर। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का शर्मनाक एक मामला सामने आया है। एम्बुलेंस चालक द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों से किराए के नाम पर 1,30,000 रुपये वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। गुरुग्राम में मरीज को लुधियाना तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा यह रकम वसूली गई है। आपदा के समय अवसर तलाशे जाने के मरीज के परिजन काफ़ी आहत हैं और उन्हें इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, तो वहीं परिजन इस बात से भी काफ़ी नाराज हैं कि उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्प नंबर पर कई बार फ़ोन किया था लेकिन किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे में है अपने मरीज को एम्बुलेंस चालक की मनमानी के बाद लुधियाना ले जाकर और वहां उन्हें दाखिल कराया। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम से यह बड़ी खबर आप देख रहे थे। बता दें कि आपदा को अवसर में बदलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साइबर सिटी में अनेक एम्बुलेंस चालकों पर मनमानी किए जाने के आरोप लगे हैं। इस बारे में मामले में एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रधान और पूर्व प्रधान की माने तो एम्बुलेंस चालक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ एवं स्वमति मामला दर्ज कराएं। एसोसिएशन की माने तो लोग बिल्कुल चालकों को इज्जत की निगाहों से देखते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आप देख रहे अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, अब जब फोन आ रहे हैं, हमारे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि एक कॉल आप अटेंड करोगे तो 3-4 फ़ोन वेटिंग कॉल में आएंगे। हमें यही नहीं पता चलता कि मरीज बात कर रहा है या कोई और बात कर रहा है। इतने लोगों ने अपनी ऐपें बना ली है, अपनी प्रमोशन करा के गूगल पे मोबाइल ऐप बना ली है कि उनका पता ही नहीं चलता। वो मरीजों से वो तय करते हैं, हमारे एम्बुलेंस वाले से फिर वो बात करते हैं भाई कितने में जाओगे। एम्बुलेंस वाला इतना पैसे नहीं ले रहा जितना कि गूगल ऐप वाला, कम से कम एक एक कॉल पे 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये गूगल ऐप वाले खा रहे हैं। तो उसमें बदनाम एम्बुलेंस वाले हो रहे हैं। कुछ साथी हमारे भी हैं, उनका सबका अभी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और प्रशासन को हम ही उनका नाम देंगे, भाई इन्होंने गलत किया था, इनको सजा दी जाए। हमारे जो दायरे में आएगा वो अपने हम पूरी वो करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर बदनाम हो, हमारे साथी बदनाम हो। मैंने पहले ही बताया, हमने समय समय पर फ्री गाड़ियां चलाने के काम किया है, कभी किसी से मना नहीं किया, जैसा समय आया वैसा रहा है। लेकिन इस महामारी में तो वास्तव में एम्बुलेंस वाले बहुत बदनाम हो गए। लोग गाड़ियां दे रहे हैं, हम खुद शर्मसार हैं। लोग हमारी इज्जत करते थे, हमारा धन्यवाद करते थे, लेकिन इस मामले में तो हम खुद शर्मसार हैं। अमनजोत, मेरी मदर इन लॉ को कोविड के कारण ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था। इवन उनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 45-50 तक जाने लग गया था, ज़रा से भी कुछ कहिलने से। तो उनको एमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना था। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको एमरजेंसी वहाँ ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। नहीं, जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि ये नंबर है, यहाँ एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, उन्होंने चलते ही 95,000 तो इमीडिएटली मांगे, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। तो उनको जी पे से 95,000 पे किया इमीडिएटली। फिर जो 25,000 था वो मेरी वाइफ ने वहाँ पहुँच के उनको कैश में किया। यहाँ वो सत्यम मेडिकेयर हॉस्पिटल में अवेलेबल थे बट वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी और उनकी ऑक्सीजन लेवल गिरती जा रही थी। यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा लूट चल रही है एम्बुलेंस पे। मैंने भी कॉल की थी बट कहीं कोई नहीं कर रहे हैं कम, ये एक्सट्रीमली ज़्यादा चार्ज है। ज़्यादा कहूँगा कि हॉस्पिटल स्टाफ और हर चीज़, आपको ग्लूकोज वगैरह चढ़वाना उसके लिए भी आपसे 7,000-7,500 घर में लिए जा रहे हैं।
और एम्बुलेंस के तो रेट बहुत ही ज़्यादा 1.25 लाख हो चुके हैं यहाँ से जाने के, तो इनको भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। मैं खुद इतना ऑक्सीजन के लिए भटका हूँ, एक सिलेंडर अवेलेबल नहीं है कहीं भी। मैं मानेसर गया हूँ स्टार हेल्थ में, मेरे जो फ्रेंड हैं वो वहाँ पे गए हैं, फरीदाबाद में, मोती नगर में, दिल्ली में गए हैं, बट हमें बिल्कुल सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मुश्किल से 5-7 लीटर का सिलेंडर मिलता था, वो भी पूरा दिन घूमने पर। यहाँ पर DC को कॉल किया था जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, और सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर मेरी मदर इन लॉ थी और उनका वहाँ पर 68 लेवल चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आ जाएगी, एक आध सिलेंडर आए, बट पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है कि एक सिलेंडर तो 2-4 घंटे ही चला। ये तो मेरे को एक्चुअली, मैं हॉस्पिटल्स के लिए भटक रहा था, मेरी वाइफ को ये नंबर फॉरवर्ड होके आया, जैसे फ्रेंड से या वगैरह से या कहीं से उन्होंने लिया। और उन्होंने सर हमारे संज्ञान में ये अभी मामला आया है, हमारे पास रिसिप्ट भी आया है, जिन्होंने 1,20,000 रुपये लिए हैं उनका रिसिप्ट भी हमारे पास अभी ग्रुप पे चल रहा है, हम लोग के पास आज ही आया है। और लोग तकरीबन जो बाहर से आके गुड़गांव के एसोसिएशन को, ऑपरेटर को बदनाम कर रहे हैं, उनका रिसिप्ट भी हमारे पास, वो क्रिटिकेयर एम्बुलेंस है कोई दिल्ली के अंदर, जो कि हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं है और हम लोगों के एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ नहीं है अभी तक। ऐसे कई लोग गुड़गांव में भी है जो कि ऐप के माध्यम से और वैसे भी वो चोरी छुपे काम कर रहे हैं, हम लोगों के एसोसिएशन में ना तो जुड़ रहे हैं ना ही जुड़ रहे हैं, और वो बदमाशी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं और वो ले रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर के खिलाफ हम लोग भी, प्रशासन जो भी हमें जिम्मेवारी देंगे हम उसके साथ हैं, हम लिख के देंगे और प्रशासन भी कड़े से कड़े रुख अपनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे आदमियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे उच्च अधिकारी इसके खिलाफ करें कार्रवाई। क्या पीड़ित परिवार से आपके संपर्क में है, एम्बुलेंस स्ट्राइक जो है वो भी आज देखो, जो पीड़ित परिवार है वो हमारे उच्च अधिकारी से मिले और वही कार्रवाई इसके लिए करेंगे, और हम तो इससे ज्यादा ज्यादा लिख के भेज सकते हैं भाई इन्होंने ऐसा गलत काम किया है। एम्बुलेंस के जाकर आज उन्होंने ज्ञापन दिया था मेरे को लिखित और मौखिक, बताया था उन्होंने मौखिक मेरे को, उसमें उन्होंने अपने सपोर्टिंग के साथ अपने रेट दी थी, यही है उन्हें की, और जो हमारे हरियाणा सरकार जो रेट फिक्स किए थे उनके लोग